हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय नए ब्लॉग्स में। स्वागत है मेरे नए ब्लॉग्स में। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। गाइस, खैर आप सब तो अच्छे हैं, पर हमारी अभी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। जैसा कि मैंने कल आपको नाइट में ही ब्लॉग में बताया था कि सोनू की तबीयत ख़राब है, ठीक नहीं रहेगी तो हम हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो गाइस, 4 तो वैसे ही बज चुके हैं। सुबह से मैं काम कर रही थी गाइस, फ्री नहीं थी, बिल्कुल भी फ्री नहीं थी। तो मैं ब्लॉग्स वगैरह, वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बना पाई थी, क्योंकि ये दिन भर से सो रहे हैं गाइस, देख सकते हो आप। अभी ना इनके सर पे ना गीली पट्टी रखी हुई है, तो थोड़ा बहुत फीवर, थोड़ा बहुत मैं सोच रही हूँ कि चला जाए बस। और हाथ पैर में भी थोड़ा बहुत पानी वगैरह से, मतलब कपड़े, गीला कपड़ा करके हाथ पैर थोड़े साफ पोंछ रही हूँ कि थोड़ी ठंडाक मिले इनको, फीवर थोड़ा कम हो गाइस। क्योंकि इनकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही है, पर मुझे हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ेगा गाइस आज। तो अभी 5-6 बजते हैं, तो मैं इनको हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी गाइस, और देखेंगे डॉक्टर क्या बताते हैं, क्या है, कोई वायरस वगैरह तो नहीं, कुछ छोटा मोटा, या कितना फीवर है, क्या है। इनको बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो रहा है ना गाइस। तो मैंने ना सारे ना गेट भी बंद, मतलब गेट भी बंद है, विंडो भी बंद है, सब कुछ, क्योंकि ना इनको ज़रा सी हवा नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है गाइस, बहुत ज़्यादा ठंड लगी। और सुबह से इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है गाइस। अब क्या करूँ मैं, खाया भी नहीं है गाइस। बहुत कोशिश की, मम्मी बोल रही थी दलिया खिला दो, गरम गरम दूध दूध वगैरह दे दो, पर कुछ भी नहीं खा पी रहे हैं गाइस, कुछ भी नहीं खा पी रहे हैं। बस अभी इन्हें हॉस्पिटल ले जाना है गाइस। तो मैं गाइस देखो, इनके पैरों पे ये गीले गीला कपड़ा है, ये ऐसे मल रही हूँ कि इन्हें थोड़ा बहुत आराम मिलेगा गाइस। देखते हैं, थोड़ा बहुत तो आराम मिले, जब तक डॉक्टर बैठते हैं तब तक तो मैं करती ही रहूँ गाइस थोड़ी सी अपने घर में घरेलू नुस्खे, क्योंकि डॉक्टर के पास तो जाएंगे 6 बजे तक, क्योंकि वो तभी बैठता है। बाकी क्या है, इनको थोड़ा आराम मिलेगा। गीले पानी से इनके तलवे रहते हैं ना पैर के, तो वो मैं उसे ऐसे ऐसे कर रही हूँ, गीले पानी की पट्टी से थोड़ा बहुत आराम मिलेगा इनको। बाकी तो ये जब से सो ही रहे हैं, अब उठाऊँगी थोड़ी देर से, तो देखती हूँ क्या खाएंगे। दलिया वगैरह बनाती हूँ गाइस, हल्का फुल्का, तो खिलाऊँगी। गीले कपड़े से उनको पोंछ दिया था उनका अंग, तो अभी ये सो गए हैं, फिर से उठ ही नहीं रहे गाइस। मैंने सोचा उठा के खाना पीना खिला दूँगी, जब से उठे ही नहीं तब से वो सो ही रहे हैं गाइस। तो फिर मैंने गीले कपड़े की पट्टी वगैरह रखी थोड़ी देर तक, फिर बस उन्होंने निकाल दी, उनको ज़्यादा ठंडी लग रही थी तो निकाल दी उन्होंने, वो रखे कपड़े, और एक यहाँ पड़ा हुआ है ये। तो गाइस देखती हूँ, अब शाम तो हो गई है, मैं भी रेडी हो जाती हूँ, फिर हॉस्पिटल ले जाऊँगी इनको मैं। मैंने इनको उठा दिया, क्योंकि हमें जाना तो हॉस्पिटल। बेटू ठीक लग रहा है ना? अब नहीं लग रहा ना, देख सकते हो कितनी खांसी चल रही है। कहाँ जा रहे हो? तो मैं जब से लगी थी थोड़ा बहुत, मैंने सोचा मैं भी लेट जाती हूँ गाइस, तो ये इनको उठाया मैंने अभी, ले आओ अंदर ही। तो अब रेडी होती हूँ गाइस मैं फटाफट, और निकलते हॉस्पिटल के लिए गाइस। तो गाइस, जैसा कि रूपाली ने आपको बताया, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है। अभी सोकर उठा हूँ मैं, थोड़ी देर हो गई मेरे को सोकर उठने के बाद। मुंह भी नहीं धोया मैंने, अभी 6 बजे हाँ 6 बजे ही सोकर उठा हूँ मैं, और अभी बस थोड़ा सा बैठा हूँ, क्योंकि अभी डॉक्टर के पास जाना है। उसने खाना बनाया था रूपाली ने मेरे लिए, पर खाना तो मुझसे खिलाया नहीं जा रहा, क्योंकि मुँह पूरा मेरा कड़वा हो रहा है इसलिए, और नाक मेरी एक साइड से यहाँ से बंद है पूरी, और ये इतना इतना हिस्सा मेरा पूरा बहुत तेज़ दुख रहा है, इतनी तेज़ दुख रहा है कि मैं कुछ बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा तेज़ दुख रहा है मेरा यार। और अभी रूपाली मेरे लिए दलिया बना रही है, जब तक वो दलिया बना रही, जब तक मैं बैठा हुआ हूँ शांति से, दलिया बनाएगी, फिर फटाक से मैं रेडी होकर, कपड़े पे रेडी होकर हम लोग जाएंगे डॉक्टर के पास, क्योंकि हमको रूपाली की भी रिपोर्ट उठाना है। रूपाली की भी रिपोर्ट उठाना, और मेरे को भी दिखवा कर आना, मेरे को सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा तेज हो गया है।
इसके कारण नाक बंद हो रही है। सर मेरा बहुत भयंकर दर्द दे रहा है भाई, बहुत भयंकर, और बुखार तो मुझे बहुत ज़्यादा आया है। अरे भगवान। फ्रेंड, मैंने दलिया बना लिया फटाक से। इनने बोला था कि दलिया खाना है मुझे, तो मैंने सोचा दलिया बना देती हूँ हल्का फुल्का। कम से कम कुछ तो खा रहे हैं गाइस। तो फिर इसके बाद में हम जाते हैं हॉस्पिटल, है ना बिट्टू? जाना है, इंजेक्शन भी लगवाएंगे इसको, इनको ना सुई लगवाएंगे। 2 दिन से बोल रही हूँ गाइस चलो चलो चलो, चलते ही नहीं। जल्दी से अच्छे से दलिया पी लो, फिर अपन रेडी होके चलते हैं ना। फ्रेंड्स, हम निकल गए हैं घर से और ये अब गाड़ी निकाल रहे हैं। तो गाड़ी निकाल ली है, अब हम जाएंगे हॉस्पिटल शना को दिखवाने। गेट तो हम जा रहे हैं गाइस हॉस्पिटल। चलें? चलो चलो गाइस, मिलते हैं ना आपसे हॉस्पिटल में जाके, क्या बताते हैं डॉक्टर। तो गाइस सोनू इस तरफ बैठे हुए हैं, अब उनको इंजेक्शन लग रहा है। मैंने बोला था इंजेक्शन लगवाऊंगी, तो गाइस उन्हें इंजेक्शन लग रहा है। और हम आए थे डॉक्टर के क्लिनिक आए थे। बढ़िया, इंजेक्शन लग चुका है ने। जल्दी हॉस्पिटल जाएंगे मेरे वाले। आ गई हूँ गाइस टैबलेट लेने। डॉक्टर ने बोला टैबलेट लेकर आओ, उन्हें 2 इंजेक्शन लग चुके हैं। तो अब टैबलेट ले लेते हैं फिर जाते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोला था, देखो इनको लग गए इंजेक्शन कमर में, बहुत ज़्यादा 2 इंजेक्शन लगे हैं गाइस। मेरे बेटे को इनने लगाया इंजेक्शन, इंजेक्शन लग चुके। ये सारा टहल ही रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला थोड़ा सा टहल लो, गाड़ी चलाएंगे ना गाइस तो दुखेगी कमर। टहल लिए जी। गाइस अब मेरे चलते हैं हॉस्पिटल। बहुत तेज दुख रहा है गाइस, मुझे नहीं पता था कि इंजेक्शन ही ठोक देंगे, पर ठुक गया। अब क्या करें, चलो चलते हैं गाइस, फिर मिलते हैं हॉस्पिटल जाके। तो गाइस अभी हम लोग घर पे आ गए वापस। रूपाली वहां पर बैठ के सब्जी निकाल रही है। हम लोगों ने अभी थोड़ा सा मार्केट भी कर लिया, तो अभी सब कुछ फाइनल। मैंने भी डॉक्टर का दिखा दिया है, उसके भी सारे चेकअप हो चुके हैं। उसको अब इंजेक्शन लगेंगे 2-3 दिन तक लगातार, 3-4-5 इंजेक्शन के लिए बोला है डॉक्टर्स ने। उसको खून की कमी भी बताई है रूपाली को, ब्लड की कमी है, और आयरन के इंजेक्शन लगेंगे ऐसा बोला है डॉक्टर ने, है ना बिट्टू? इसलिए तो दूध टाइम पे पीना चाहिए, प्रोटीन टाइम पे पीना चाहिए। तो आप ही तो नहीं पीते? गाइस हम गरीब है, यहाँ पर दूध नहीं आता, अरे पैसे नहीं है। तो गाइस अभी मेरे को भी 2 इंजेक्शन लग चुके हैं सर्दी जुकाम खांसी और बुखार के। और उसके बाद अभी कल कल वो एक बार और जाना है डॉक्टर को दिखाने के लिए, फिर से शाम को उनने बोला कल एक बार और आना दिखाने के लिए। अभी रूपाली के हॉस्पिटल गए थे, तो रूपाली को दिखवाने हॉस्पिटल गए थे, तो रूपाली को भी उन्होंने ब्लड की कमी बोली है और इंजेक्शन लगवाने के लिए बोला। 3 दिन तक अभी रूपाली के कंटिन्यू इंजेक्शन लगेंगे। तो अभी अब देखते हैं गाइस क्या होता आगे। ये है गाइस गोली है दवाई, ये मेरी गोली दवाई है, ये सर्दी जुकाम खांसी की है। फिर उसके बाद ये रूपाली के लिए है, ये गोलियां तो सुबह शाम की हैं, और इसमें फिर मेरी गोलियां हैं सर्दी जुकाम बुखार की। और इसके अंदर गाइस इंजेक्शन है, ये रहे इसके अंदर इंजेक्शन है जो कि रूपाली के लिए दिया हुआ है। इसके तू लाए? तो मैडम को दूंगा क्या? मैडम के पास ही थे ना। क्यों रहेंगे मैडम के पास, मैडम मिला नहीं देगी फिर उसके बाद वो फिर बोलेंगे आपन से कि और इंजेक्शन खरीदो। देखो गाइस रूपाली मस्त, क्या खा रहे हो? संतरा। संतरे खा रही है। हाँ भाई संतरे खाओ, संतरे बाजार करके आ चुके हम लोग भी, थोड़ा सा सामान खरीद लिया है। मेरे को नाक बहुत आ रही है यार बिट्टू। यहाँ पर गाइस देखो अभी ये बेल लेकर सब कुछ बैठ चुकी है, दवाई ववाई भाजी काटने के लिए बैठी यहाँ पर। और क्या कर रहे हो, गोली दवाई रख दो सारी। तो अभी गाइस आप थोड़ी देर के बाद खाना बना के गोली मोली खाएंगे।
सो जाएंगे। तो गाइस आज का वीडियो फिलहाल यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना गाइस, वीडियो को लाइक जरूर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल तो जल्दी से कर लेना गाइस फटाफट। सपोर्ट मी गाइस, बाय। बाय गाइस, गुड नाइट, जय श्री राम।